इंदौर में विजयदशमी के उपलक्ष्य में आरएसएस के द्वारा शहर के तमाम स्थानों से पथ संचलन निकाले गए। नंदानगर से निकले पथ संचलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। इस मौके पर देश प्रदेश के रहवासियों को दशहरे के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी है। इंदौर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरे के उपलक्ष्य में आरएसएस के द्वारा पथ संचलन निकाले गए। इस वर्ष खास तौर पर नगर और शाखा स्तर पर पथ संचलन निकाले गए, जिसमें लाखों की संख्या में स्वयंसेवक गणवेश धारण कर कदम ताल करते हुए पथ संचलन में शामिल हुए। तो वहीं नंदन नगर पर निकाले गए पथ संचलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बुराई की समाप्ति और अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दी। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय हमेशा निकलने वाले इस पथ संचलन में सम्मिलित होते हैं। विजयदशमी की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह बुराई को समाप्त करना और अच्छाई पे अच्छाई की बुराई पर जीत है, और मैं समझता हूं कि हम सब अच्छे कदम पर चलें, अच्छी प्रेरणा लें, अच्छी विचारधारा के साथ चलें, यही विजयदशमी का पर्व हमें प्रेरणा देता है।